आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। आज इलाहाबाद के केपी ग्राउंड, जो कि एमजी रोड पर स्थित है, में गांधी शिल्प बाजार के नाम से मेले का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कर कमलों द्वारा हुआ। उद्घाटन करने के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी सभा को संबोधित करते हुए मेले में सहयोग करने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे मेलों के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर गरीबों के रोजगार का एक रास्ता होता है और पूरे प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना चाहिए कि लोग हस्तशिल्पियों के द्वारा बनी वस्तुओं का उपयोग करें, ताकि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इस राष्ट्रीय स्तर पर शिल्प मेले का आयोजन विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय व भारत सरकार के सौजन्य से भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्था इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। इस गांधी हस्तशिल्प बाजार का उद्देश्य देश के ख्याति प्राप्त हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादकों की बिक्री करना तथा एवं प्रचार प्रसार करना, जिससे संबंधित ग्राहकों को कम से कम दाम पर अच्छे से अच्छे उत्पाद उपलब्ध हो सके और जिसका लाभ सीधे तौर पर हस्तशिल्पियों को मिल सके। इस गांधी शिल्प बाजार में देश के कोने कोने से, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से जरी जरदोजी क्राफ्ट, मून क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, जूट क्राफ्ट, सजल स्टोन क्राफ्ट, ऊनी कालीन क्राफ्ट, फ्लावर क्राफ्ट, टाई और डाई क्राफ्ट, पंजादरी क्राफ्ट, टेराकोटा क्राफ्ट, चिंदी दरी क्राफ्ट, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग क्राफ्ट, ज्वेलरी क्राफ्ट आदि से संबंधित ख्याति प्राप्त हस्तशिल्प भाग ले रहे हैं। अतः देश के कोने कोने से आए प्रसिद्ध हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादकों को रियायती दर पर खरीदा जा सकता है। यह मेला दिनांक 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। मेले का आयोजन हुआ है आज उद्घाटन के अवसर पर। भैया एलसीडी हटा लो, सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूँ। राजीव भैया लीड हिल गई, स्वयं शिल्पकार बहुत उत्साहित हैं, सामान यहाँ पर तैयार करके लाए हैं और प्रयागवासी उसको प्रसन्नता से आकर के यहाँ से खरीदारी भी करेंगे। इससे जो शिल्पकार है उत्साह प्रदेश सरकार की तरफ से। तो ये थी क्राइम इंडिया न्यूज के लिए इलाहाबाद से रजिक की।